चुके थे। अविनाश फ्लैट में घुसते ही पहले फ्रिज चेक करने गया और मौका देखकर अनुष्का ने सलीना से धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो, कोई खास बात है? और इससे पहले कि सलीना जवाब देती, पीछे से अविनाश ने दोनों को टोकते हुए कहा, हे, ये तुम दोनों के बीच में क्या कानाफूसी हो रही है? सलीना ने पलटकर मॉकिंगली जवाब दिया, तुम मेरे से क्या? बाय द वे, तुम मेरे बॉस के पीछे क्यों भागते रहते हो? तुम्हें पता है ना वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, और अब मेरे होने वाले जीजा जी तुमसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुनते ही अविनाश को गुस्सा आ गया और उसने सलीना से कहा, देखो मैं अनुष्का के पीछे नहीं भाग रहा, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं बस उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। पीछे तो तुम भाग रही हो, सलीना ने एटीट्यूड में कहा। ओह रियली, ठीक है फिर आज तो फैसला हो ही जाए, चलो बैठ लगाते हैं, हम दोनों वन ऑन वन फाइट करेंगे और जो जीतेगा आज उसे अनुष्का के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बोलो क्या कहते हो? सलीना की बात सुनकर अविनाश ने एक नजर अनुष्का की तरफ देखा। जब उसने देखा कि अनुष्का कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो उसने भी सलीना की तरफ देखकर हां में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है फिर। फिर अविनाश ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, देखो ये सलीना ही ना सामने से फाइट करने को कह रही है, अगर इसे कोई चोट वोट लग गई ना तो मुझे ब्लेम मत करना। अनुष्का ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर सलीना को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। ये कहकर अनुष्का अपने बेडरूम में चली गई और उन दोनों को हॉल में अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अनुष्का को अविनाश के दर्द से तराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे तो पता ही था कि ये होना ही है, सलीना को उसने खुद जो ड्रिंक किया था। सलीना तो अकेले ही 20-30 गुंडों से निपट सकती थी, फिर ये अविनाश किस खेत की मूली था। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी, अनुष्का कमरे से बाहर आई तो देखा सलीना अविनाश की बाह में लगी चोट पर मलहम लगा रही थी और अविनाश हैरान सा मुंह फुलाकर बैठा था। उसने दोनों को इग्नोर किया और दरवाजा खोला। सामने दिशा और पल्लवी खड़ी थी। अनुष्का ने उन्हें अंदर इन्वाइट किया और फिर सलीना से इंट्रोड्यूस करवाया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद बाकी सब तो पढ़ने बैठ गए थे, लेकिन सलीना अनुष्का के लैपटॉप पर गेम खेलने लगी। रात के 8:30 बज चुके थे, उन लोगों ने ऑलरेडी डिनर ऑर्डर कर लिया था। ऑर्डर आने के बाद अनुष्का जब पैकेट लेने बाहर गई तो उसने राहुल को देखा जो कुछ परेशान सा था। अनुष्का ने उससे कहा, तुम यही सामने वाले फ्लैट में रहने लगे हो ना? उसकी आवाज सुनकर राहुल पहले तो हड़बड़ा गया, फिर हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ। अनुष्का ने आगे कहा, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या सब ठीक है? राहुल ने जब अनुष्का की बात सुनी तो पहले तो वो चौंक गया, फिर उसने तुरंत ही अपना फोन लॉक कर दिया। लेकिन उसके फोन लॉक करने से पहले ही अनुष्का की नजर स्क्रीन पर पड़ गई थी और स्क्रीन को देखते ही अनुष्का समझ गई थी कि वो कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने जवाब में कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर राहुल वहां से जाने ही वाला था कि अनुष्का ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, देखो मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अर्जुन जिस मिशन पर गए हैं क्या वो बहुत ज्यादा डेंजरस है? जैसे ही अर्जुन का नाम मेंशन हुआ राहुल की आंखें एडमायरेशन से भर गई। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मैम अर्जुन सर को तो मैं काफी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने उन्हें किसी भी मिशन में इंजर्ड होते नहीं देखा, चाहे कितना भी हार्ड मिशन क्यों ना हो अर्जुन सर हमेशा से आसानी से निकल आते थे, और बल्कि कई दफा तो वो बहुत सारे डेंजरस टास्क के लिए ऐसे ऐसे प्लान क्रिएट करते थे कि बड़ी आसानी से वो डेंजरस टास्क कंप्लीट हो जाते थे। मुझे यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। राहुल की बात सुनकर अनुष्का को अर्जुन के सर की इंजरी याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसी तरह अर्जुन को अपने सारे सबॉर्डिनेट्स का भरोसा कायम रखना पड़ता है ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे? क्या इन सबको लगता है कि वो कोई सुपरमैन है जिसे कभी कुछ नहीं होगा? लेकिन ये सब लोग भूल जाते हैं कि वो भी तो एक इंसान है जिसके शरीर में खून बहता है, उसे भी तो चोट लग सकती है, उसकी भी तो जान जा सकती है। लेकिन राहुल की आंखों में अर्जुन के लिए भरोसा देखकर अनुष्का ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि अर्जुन के लिए इन लोगों के अंदर इतना ट्रस्ट सही है या गलत, लेकिन इस वक्त वो राहुल से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने राहुल से पूछा, ओके फिर ठीक है, वैसे तुम्हें पता है उनका मिशन कब तक कंप्लीट होगा? राहुल ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर हाँ में सर हिलाया। अनुष्का ने आगे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो फिर जब भी तुम्हें कोई न्यूज मिलेगी ना क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो? जवाब में राहुल ने सिंसियरली कहा, ओके अगर अर्जुन सर का मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मुझे जैसे कोई न्यूज मिलेगी मैं जरूर आपको उनकी सेफ्टी की खबर दूंगा। अनुष्का ने हाँ में सर हिलाया और राहुल से सॉफ्टली कहा, ओके थैंक यू, वैसे अगर तुम किसी काम में बिजी हो तो तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ जो अभी ब्लैक बेल्ट है और वो मुझे प्रोटेक्ट करने में कैपेबल भी है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राहुल ने ये सुना तो उसने तुरंत ही गंभीरता से कहा, नो मैम आपको प्रोटेक्ट करना ही मेरा काम है और अर्जुन सर ने जाने से पहले मुझे वार्निंग दी थी कि मुझे आपको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्लीज मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट मत कीजिए, जब तक अर्जुन सर मुझे दोबारा ऑर्डर नहीं देते तब तक मुझे आपका पीछा करते रहना पड़ेगा ताकि आप सेफ रह सके। अनुष्का भी जानती थी कि राहुल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आखिर में उसने उसकी बात मान ली और फिर फूड पैकेट लेकर वापस अंदर आ गई। उन सब ने मिलकर डिनर किया। दिशा और पल्लवी आज वहीं रुक गए और अविनाश ऐसी हालत में ड्राइव नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो रात में यहाँ रुका तो अर्जुन उसकी जान ही ले लेगा। आखिर में उसने गाड़ी पार्किंग में छोड़कर कैब से जाने का फैसला किया। अविनाश के जाने के बाद अनुष्का ने दिशा और पल्लवी को अपने बेडरूम में सेटल किया और खुद सलीना के साथ अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर अनुष्का ने सलीना से गंभीरता से पूछा, तुमने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है ना? सलीना ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन सच के बारे में सोचकर सलीना अब अनुष्का को इस मैटर के बारे में सब कुछ बताने से हिचकिचा रही थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर अनुष्का ने स्ट्रिक्टली पूछा, सलीना मुझे सब जानना है। बिग बॉस, सलीना जानती थी कि अनुष्का को बचपन से ही अपने परिवार के लिए अपने असली घर के लिए कितना लगाव था और इस वक्त सलीना को लगा कि वो सच में सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। सलीना के चेहरे पर उदासी देखकर अनुष्का समझ गई थी कि सच बहुत ज्यादा कड़वा होगा। तभी सलीना उसे सच बताने से हिचकिचा रही थी। उसने सलीना से सॉफ्टली कहा,
इट्स ओके, जस्ट से इट। देखो मुझे तुम लोगों के और अर्जुन के अलावा अब इस दुनिया में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, सेलिना ने कंसर्न से पूछा। आर यू श्योर? यस, अनुष्का ने कॉन्फिडेंटली कहा। बॉस, आपकी रियल मॉम का नाम अंकिता सूर्यवंशी है और वो राजस्थान के मेवाड़ की रॉयल फैमिली सूर्यवंशी से है। जब वो 20 साल की थी तब आपके दादाजी के दुश्मनों ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी लाडली इकलौती बेटी यानी कि आपकी मॉम को किडनैप करवा लिया और उन्हें मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया था। लेकिन इत्तेफाक से आपके डैड को वो बहुत बुरी हालत में मिली और उन्होंने उनकी जान बचाई। उन दोनों ने बाद में शादी कर ली। शायद उस जमाने में किडनैप हुई लड़की की वहां कोई इज्जत नहीं करता था। किडनैप होने से पहले उन्होंने कुछ डायमंड की ज्वेलरी पहन रखी थी जिसे बेचकर उन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया और फिर 3 साल के अंदर ही वो उन्होंने क्लाउड कार के नाम को टॉप 10 कंपनी में पहुंचा दिया। बाद में शायद उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड की लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिससे उन्हें एक लड़की भी है, लेकिन उस वक्त वो प्रेगनेंट थी और उन्होंने फिर एक बड़ा फैसला लिया। शायद वो जानती थी कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगी और उन्हें अब अपने हस्बैंड पर भी भरोसा नहीं था और उन्हें डर था कि उनका बच्चा बहुत सफर करेगा। इसलिए उन्होंने एक स्विस बैंक के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया और फिर कुछ लॉयर्स की बहुत ही लॉयल टीम बनाई और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया जिसके अकॉर्डिंग उनके जाने के बाद मिस्टर मेहरा उनके पीछे छोड़े गए पैसों को कंपनी में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर मिस्टर मेहरा पैसों को 60% लॉस में ले जाते हैं तो वकीलों की वो टीम तुरंत ही उन्हें बेदखल करके बाकी का सारा फंड आपके लिए जमा रखेगी। सेलिना की बात सुनकर अनुष्का को थोड़ा झटका लगा। उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, लेकिन ऐसे तो डैड धीरे धीरे उस फंड को ट्रांसफर भी तो कर सकते थे ना, या फिर वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर भी तो ट्रांसफर करवा सकते थे ना। सेलिना ने जवाब में कहा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये कहकर सेलिना ने अपने बैग में से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकालकर अनुष्का के सामने रख दी। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर कंपनी को 60% से ज्यादा का लॉस हुआ तो मिस्टर मेहरा के सारे फंड फ्रीज कर दिए जाएंगे और अगर उन्होंने फंड या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो पूरी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा चेतावनी के तौर पर जमा कर लिया जाएगा और अगर तीसरी बार भी उन्होंने ये गलती करी तो फिर लॉयर्स उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। और यही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी मेंशन है कि उनकी बेटी का नाम चाहे जो भी हो जब तक वकीलों की टीम ब्लड बैंक में रखी अंकिता सूर्यवंशी के ब्लड से डीएनए टेस्ट नहीं कर लेती तब तक वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगी और डीएनए टेस्ट हर साल अनुष्का के बर्थडे पर किया जाएगा। मुझे लगता है आंटी को मिस्टर मेहरा पे जरा सा भी भरोसा नहीं था और उन्हें लग रहा था कि शायद वो बच्चों को बदल भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी से इतना बड़ा फैसला लिया था। अनुष्का बस कुछ सोचकर हां में सर हिलाकर रह गई। सेलिना ने आगे कहा, इस डीएनए टेस्ट के कारण ही मुझे लगता है कि आपकी स्टेप मॉम ने शुरू में आपको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वकीलों की टीम हर साल डीएनए टेस्ट के लिए आने वाली थी, लेकिन जब मायरा और आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ ना तो उसके बाद उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं थी और इसलिए उन्होंने आपको किडनैप करवाने का प्लान बनाया और आपको ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों बेच दिया। इससे आपके गायब होने के बाद ना मिस्टर मेहरा ने आपकी तलाश के लिए पुलिस को बुलाया था और उस घटना के बाद पूरे 1 साल तक पुलिस ने आपकी तलाश की, लेकिन मुझे और केविन को इस बात पर शक है कि आपके डैड ने उस किडनैपिंग में अपनी वाइफ का साथ दिया था या नहीं। अनुष्का ने सर हिलाया और आगे गंभीरता से पूछा, मेरी माँ के बारे में क्या, क्या उनकी मौत का असली कारण पता चला? जवाब में सेलिना ने धीरे से कहा, पीयूष इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हमें ये पता चला है कि मुंबई के ही पीपल्स हॉस्पिटल में उन्होंने आपको जन्म दिया था और उसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी डेथ काफी सस्पिशियस थी और जब हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पहले तो आंटी बिल्कुल हेल्दी थी लेकिन फिर डिलीवरी के टाइम एक नर्स ने गलती से उन्हें ऐसी दवाई दे दी जिसकी वजह से उनका खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था और काफी ब्लड लॉस के कारण उनकी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने उस नर्स के बारे में भी पता करने की कोशिश करी और हमें यह भी पता चला कि उस नर्स ने हॉस्पिटल की वो जॉब छोड़ दी थी और फिर उसके 2 साल बाद ही उस नर्स की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन हमें यह भी पता चला है कि हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ने से पहले उस नर्स के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसका मतलब है कि आंटी को जानबूझ के मारा गया था, सेलिना ने आगे कहा। ओ हाँ, मैं आपको कुछ बताना भूल गई, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज मेंशन है कि जब आप 24 साल की हो जाएंगी तब सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। अनुष्का ने आगे कहा, इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, यानी इन्होंने मुझे अपने पास इसलिए रखा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये लोग मुझे आगे करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे और बाद में शायद मुझे मार भी डालें। ये सोचकर अनुष्का के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। आखिरकार जिस फैमिली के बारे में वो इतने सालों से सोच रही थी और जिनसे मिलने के लिए वो इतनी खुश थी, वो लोग इतना गंदा षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने उसकी माँ को मार डाला और फिर उसे किडनैप करा के बेच दिया और इतने सालों के बाद जब उनसे वो वापस मिली तब भी उन्होंने सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहा और जब उसने पलट कर जवाब देना शुरू किया तब इस परिवार ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अनुष्का इस वक्त अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। अगर ऐसा होता है परिवार तो उसे नहीं चाहिए ऐसा परिवार, अगर ये लोग उसे थोड़ा सा भी प्यार से पेश आए होते तो वो खुद ही सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देती, उसे तो बस अपनी फैमिली का प्यार चाहिए था। लेकिन अब जब इन लोगों ने इतने गुनाह किए हैं और उसकी मॉम की जान ली है तो फिर वो कैसे उन्हें आसानी से जाने दे सकती थी, वो भी उन्हें उतनी ही तकलीफ देगी जितनी उन्होंने उसे और उसकी मॉम को दी थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी डेयर टू लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनुष्का इस वक्त अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। अगर ऐसा होता है परिवार तो उसे नहीं चाहिए ऐसा परिवार, अगर ये लोग उसे थोड़ा सा भी प्यार से पेश आए होते तो ये खुद ही सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देती, उसे तो बस अपनी फैमिली का प्यार चाहिए था। लेकिन अब जब इन लोगों ने इतने गुनाह किए हैं और उसकी मॉम की जान ली है तो फिर वो कैसे उन्हें आसानी से जाने दे सकती थी, वो भी उन्हें उतनी ही तकलीफ देगी जितनी उन्होंने उसे और उसकी मॉम को दी थी। सेलिना ने जब अनुष्का का उदास चेहरा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सॉफ्टली कहा, बॉस मिसेस मेहरा सच में बहुत गिरी हुई लेडी है,
मुझे और केविन को लगता है कि हमें ना पुण्य और मायरा को खत्म कर देना चाहिए। अनुष्का ने सेलिना की ओर देखा। उनकी मौत तो निश्चित है, हालांकि उन्हें की बजाय मैं जानती हूँ कि वो तड़प तड़प कर जिए और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो। उन्होंने सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ किया ना। अब देखना मैं कैसे उन्हें इस खेल में मात देती हूँ। सेलिना, मिसेस मेहरा के फोन में मैंने एक बग फिक्स किया था। किसी को बोलकर उनकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनो और कुछ काम की बात जैसे ही पता लगती है मुझे इन्फॉर्म करो। ओके बॉस। सेलिना की आंखें चमक उठी। वैसे मुझे भी बताओ ना आप इन दोनों के साथ क्या करोगी। आप तो बस मुझे ऑर्डर दीजिए, ये स्पेशल काम को पूरा करने में ना मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आप बस खड़े रहकर तमाशा देखना। सेलिना की बात सुनकर अनुष्का धीरे से मुस्कुराई और चुपचाप सेलिना को अपनी योजना के बारे में बताया। ये सुनकर सेलिना जोर जोर से हंस पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेलिना ने इविल स्माइल करते हुए कहा, बस ये काम ना आप मुझ पर और केविन पर छोड़ दो। मैं पर्सनली मायरा को एहसास दिलवाऊंगी कि कपूर फैमिली की बहू बनना इतना आसान नहीं है। कुछ देर और डिस्कशन करके अनुष्का ने फोन पर केविन को भी अपना प्लान समझाया और फिर दोनों बेड पर लेट गए। अगले सुबह चारों लड़कियों ने बाहर ही ब्रेकफास्ट करने का सोचा और फिर वहां से दिशा और पल्लवी हॉस्टल निकल गई और सेलिना अपने घर यानी उसके और केविन के। सेलिना बस रॉयल सिटी में एंटर ही हुई थी कि कुछ ही दूरी पर उसे अविनाश बालकनी में खड़ा नजर आया। वो ये देखकर काफी एक्साइटेड और शॉक भी थी कि उन दोनों का घर एक दूसरे से बस 10 कदम की दूरी पर था, लेकिन अविनाश ने सेलिना को नहीं देखा था। सेलिना जब घर पहुंची तो केविन तैयार होकर कंपनी जाने की तैयारी में था। केविन के जाने के बाद सेलिना ने कुछ देर टीवी के सामने बैठकर गेम खेला। खेलते खेलते दोपहर के 12 बज चुके थे। वो गेम खेलने में इतनी मग्न थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। अभी अभी शिफ्ट होने के कारण उन्होंने घर में कोई नौकर भी नहीं रखा था। केविन तो पहले ऑफिस या उसके अड्डे में ही रह जाया करता था, लेकिन सेलिना के आने के बाद इन्होंने ये बंगलो खरीदा था। सेलिना को अब भूख लगने लगी थी। तभी उसे आइडिया आया, क्यों ना अविनाश के घर जाया जाए। यही सोचकर वो अविनाश के घर आ गई। डोरबेल बजाने पर अविनाश के बटलर ने दरवाजा खोला। सेलिना ने उसे बताया कि वो अविनाश से मिलने आई है। बटलर तुरंत ही ऊपर जाकर अविनाश को बुला लाया। सेलिना को सामने देखकर अविनाश हैरान हो गया था। उसने सेलिना को देखते ही पूछा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेलिना ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ, सच अ कोइंसिडेंस ना। अविनाश ने जब ये सुना कि सेलिना उसके घर के पास ही रहती है तो उसका मूड खराब हो गया था। उसने किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू करके सेलिना से नॉर्मल ही पूछा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, लेकिन अभी तुम यहाँ क्यों आई। सेलिना ने जवाब में कहा, हाँ मुझे ना भूख लगी है, तुम अपने शेफ से बोलकर खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनवाओ ना। अविनाश सेलिना की बात से हैरान था, तुम यहाँ क्यों खाने आई हो, तुम्हारी यहाँ नौकर नहीं है क्या। उसने मन ही मन सोचा, एक तो कल मेरी जमकर पिटाई करी और ऊपर से आज मेरे ही घर पर खाने के लिए आई है। सेलिना ने जवाब में छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए ना, तो इसलिए ना हमने काम पर अभी किसी को रखा नहीं है और आज मेरा भाई भी घर पर नहीं है तो घर पर कोई खाना ही नहीं बना रहा। मुझे अभी बहुत भूख लगी और मुझे घर का बना खाना खाना है। आखिरकार अविनाश ने बटलर से दोनों के लिए लंच लगाने को कहा। इत्तेफाक से उसने भी अभी कुछ नहीं खाया था। दोनों डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। इसी बीच अविनाश ने नोटिस किया कि सेलिना के खाने की स्पीड उससे कहीं ज्यादा है और उसकी डाइट भी काफी ज्यादा है। लंच के बाद जब सेलिना चेयर से उठी तो अविनाश ने सेलिना के पेट को देखा जो काफी छोटा था। अविनाश सोच में पड़ गया कि इतना सारा खाना इतने छोटे से पेट में दबा कैसे लेती है। लेकिन जब उसकी नजर सेलिना से मिली और सेलिना ने उसे अपने पेट की तरफ देखते हुए पकड़ लिया तो अविनाश ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें हटा ली और वो शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तुम इतना खाना खा सकती हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि इतनी पतली होकर तुम्हारी डाइट इतनी है। जब सेलिना ने यह सुना तो उसे इंसल्टिंग फील हुआ। तुरंत उसने मुंह बनाते हुए कहा, पतली, मैं आपको किस एंगल से पतली लगती हूँ। ये कहकर उसने अविनाश के सामने आकर अपनी बॉडी को आगे पीछे घुमाना शुरू कर दिया। अविनाश उसकी इस हरकत से एंबैरस होकर नीचे करके रह गया। आखिरकार वो मिलिट्री की फैमिली से था और चाहे वो कितना ही नॉटी बच्चा रहा हो उसकी परवरिश बहुत कड़ाई से हुई थी। और तो और उसकी फैमिली में कोई लेडी भी नहीं थी, इसलिए सेलिना के मुंह से उकसाए जाने के बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये देखकर कि अविनाश इतना शर्मिला था, सेलिना का दिल उसकी सादगी से पिघल गया। अविनाश के साथ बातों में पता चला कि अविनाश भी ऑनलाइन गेम्स खेलता था। इस बात से सेलिना और ज्यादा इंटरेस्टेड थी। उसने अविनाश से गेम खेलने का प्रस्ताव रखा और जब ऊपर जाकर उसने स्क्रीन पर अविनाश की गेम आईडी देखी तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि अविनाश उस गेम का टॉप प्लेयर था और वो और केविन दोनों ही उससे कई बार कॉन्टैक्ट करना चाहते थे लेकिन उसने कभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी थी और अब उसे अविनाश सामने से मिल गया था। इधर अनुष्का भी लंच के लिए गेट के बाहर ऑर्डर पिक करने आई थी कि तभी उसने राहुल को हड़बड़ी से घर के बाहर ताला लगाते हुए देखा। अनुष्का को देखकर उसने सीधा मुद्दे की बात करते हुए कहा, मैडम मुझे इमरजेंसी काम से बाहर जाना है और शायद मैं काफी देर में वापस आऊँ, तब तक आप प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रखना क्योंकि आप यहाँ अकेले हैं। ये कहते हुए उसने अनुष्का के हाथों में गन रख दी और गंभीरता से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ घुसता है ना तो बस यहाँ ट्रिगर चला देना। फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, यदि आप उस व्यक्ति को मार भी देती है ना तो बॉस बाद में सब संभालेंगे, आपका सही सलामत रहना ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ भी हो लेकिन अपने आपको कुछ मत होने देना, ओके। अनुष्का ने गन की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया, ओके। अनुष्का ने मन ही मन सोचा, राहुल भी कितना इनोसेंट है और थोड़ा लापरवाह भी, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग एक सीधी साधी अनुष्का हूँ तो मुझे गन चलाना कैसे आएगा। राहुल ने आगे आश्वासन देते हुए कहा, मैं सिर्फ एक रात के लिए बाहर आऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रख लेंगी ना, क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया तो अर्जुन सर तो मुझे जान से मार डालेंगे। अनुष्का ने जवाब में कहा, डोंट वरी मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अनुष्का से बात होने के बाद वो बैग उठाकर वहां से जाने लगा, लेकिन उसने एक दो बार पलट कर अनुष्का की तरफ देखा। वो अर्जुन सर की दी हुई जिम्मेदारी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि आज रात की स्थिति कितनी गंभीर होने वाली है और इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी था।
राहुल को लगा था कि अनुष्का को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो एक बात नहीं जानता था कि अनुष्का ने ऑलरेडी उसके कंप्यूटर और फोन को हैक कर लिया था और वो भी उस पर नजर रखी हुई थी। अनुष्का सबके जाने के बाद से ही राहुल पर नजर रखी हुई थी और उसे ये जानने के बाद ज्यादा देर नहीं लगी कि राहुल किसी को ट्रैक कर रहा था। राहुल की हैकिंग स्किल्स एवरेज थी, इसलिए उसके लिए ट्रक को सर्वेलेंस करना मुश्किल हो रहा था। अनुष्का ने राहुल की स्क्रीन को देखा और फिर अपने लैपटॉप पर फटाफट से उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया था। उसने ट्रक के टायर को देखा और उसे समझ में आ गया था कि ट्रक में कोई भारी सामान ले जाया जा रहा था और पूरा ट्रक अच्छी तरह से कवर्ड था। नॉर्मली ऐसे ट्रक्स में रॉक्स, मेटल या फिर कोई हैवी मशीन ट्रांसफर की जाती है जिसका इफेक्ट टायर्स पर नजर आए, लेकिन अनुष्का को ये तो समझ में आ रहा था कि अगर राहुल इस ट्रक में इंटरेस्टेड था तो जरूर इस ट्रक में ऐसा कोई सामान था जो इलीगल था, और वैसे भी अगर इसमें कोई नॉर्मल सामान होता तो उस ट्रक को इतना केयरफुली कवर नहीं किया गया होता। अनुष्का समझ गई थी कि राहुल जरूर उस ट्रक के पीछे गया है। यही कारण था कि जैसे ही राहुल चला गया, अनुष्का ने सेलिना और केविन से तुरंत लोकेशन सीन पर जाने के लिए कॉन्टैक्ट किया। सेलिना अभी भी अविराज के घर में थी और अविराज के साथ गेम के ट्रिक्स सीखने की कोशिश कर रही थी जब उसके फोन पर एक स्पेशल ट्यून बजी। उसने तुरंत ही रिमोट कंट्रोल छोड़कर फोन उठाकर देखा तो उसे अनुष्का का मैसेज मिला। सेलिना बिना सोचे समझे तुरंत जाने के लिए उठी। अविराज ने जब उसे बिना कुछ कहे गेम बीच में छोड़कर जाते हुए देखा तो हड़बड़ाहट में पूछा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? पहले तो तुमने मुझे गेम सिखाने के लिए दिमाग खराब कर दिया था और अब तुम बीच में छोड़कर जा रही हो? सेलिना ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बिना मुड़े ही जवाब दिया, अभी कुछ अर्जेंट है, मैं बाद में आकर सीख लूंगी, बाय। उस ट्रक का पीछा करते हुए राहुल को 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वो ट्रक 2 जगहों से होकर निकला था जहां उसमें और भी बॉक्स चढ़ाए गए थे। ट्रक 1 घंटे में समुद्र के पोर्ट पर खड़ा था। रात का समय था, आने वाले और जाने वाले शिप से पोर्ट तक का इलाका शांत नहीं था। धीमी सी रोशनी में कुछ खुश लेकिन थके हुए से चेहरों को शिप से सामान उतारते और चढ़ाते हुए देखा जा सकता था। एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर मुंबई शहर में पोर्ट काफी व्यस्त नजर आ रहा था। यहाँ आने जाने वाले व्यापारियों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था और तो और शांति पसंद करने वाले लोग स्पेशली यहाँ रात को शिप की सैर करने का मजा लेने आते थे। इस सिचुएशन में उन लोगों के लिए कई अफसरों को जन्म दिया गया था जो कानून के खिलाफ चलना पसंद करते थे। वो ट्रक जिसमें सामान भरा हुआ था कुछ लोगों के चेक करने के बाद उसका सामान उतार कर अलग अलग शिप्स में चढ़ाया गया। कोई पहले से ही उस पोर्ट पर ट्रक रिसीव करने के लिए वहां मौजूद था क्योंकि बक्से को सावधानी से शिप्स पर ले जाया जा रहा था। राहुल ने अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ी सावधानी से ट्रक में चढ़कर एक बॉक्स को खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर रखा सामान देखकर उसके होश उड़ गए। वो बॉक्स बंदूकों और गोला बारूद से भरा हुआ था। वो जानता था कि अर्जुन और उसकी टीम इस बार इन्हीं हथियार तस्करों के समूह को गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोगों को दूसरे देश में ट्रैक कर रहे थे। हालांकि अर्जुन और उसकी टीम ऑलरेडी जा चुकी थी और अब राहुल के सामने इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद थे। राहुल ने एक प्लान बनाया और एक खाली बॉक्स का सामान दूसरे बॉक्स में एडजस्ट करके खुद उसके अंदर छिप गया। राहुल काफी दुबला पतला था इसलिए वो आराम से बॉक्स के अंदर छिप गया था। वो ऑफिशियली तो मिलिट्री के लिए काम नहीं कर रहा था और अभी वो स्पेशल फोर्स टीम का मेंबर भी नहीं था। वो तो पर्सनली सिर्फ अर्जुन के लिए काम करता था, इसलिए इस टाइम भी उसके पास अर्जुन को कॉन्टैक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। राहुल और अर्जुन का एक दूसरे से संपर्क करने का एक खास तरीका था जो अर्जुन ने मिशन पर जाने से पहले राहुल को सिखाया था ताकि किसी इमरजेंसी में वो अर्जुन को कॉन्टैक्ट कर सके। लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे स्ट्रिक्टली हिदायत भी दी थी कि मिशन के दौरान बिना किसी खास बात के कॉन्टैक्ट नहीं करें। राहुल ने काफी देर तक सोचा और आखिर में उसे अर्जुन को कॉन्टैक्ट करने का फैसला ही सही लगा। वो ये नहीं जानता था कि जैसे ही उसने अपने फोन से सिग्नल कनेक्शन शुरू किया उसी वक्त उसी पोर्ट के एक दूसरे ट्रक के डिवाइस से एक अलार्म बज उठा। राहुल चुपचाप बैठा अर्जुन के जवाब का इंतजार करने लगा था, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण उसे अभी फोन पर सिग्नल भेजने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। टेंशन के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें पड़ने लगी। उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए क्योंकि जब तक अर्जुन को सिग्नल नहीं मिलता था तब तक वो मुंबई देश के मिलिट्री से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था और अगर अर्जुन मिलिट्री बेस से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो ये हथियार पकड़े नहीं जाएंगे। इन हथियारों के साथ साथ इसकी तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए मिलिट्री ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ काम करना था और इस काम के लिए जितनी ज्यादा देर होगी उनके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदायक था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंतजार करे या खुद कोई एक्शन ले।